यह यूसुफ सराय मार्केट, और इस मार्केट को लोग ज़्यादातर केमिस्ट की शॉप से भी जानते हैं। यहाँ पर केमिस्ट की शॉप बहुत है, जिनकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती, इतनी सारी शॉप है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहली दुकान ही केमिस्ट की है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, हमें भी कुछ सामान खरीदना है। जितनी भी शॉप है ना भाई, इन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस हेल्पलाइन पर मिलता है, 50%। हमने यहाँ से ना ये खरीदी है, हॉट वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक वाली और विदाउट इलेक्ट्रिक वाली, दो मैंने खरीदी हैं, दो ये नरेंद्र भाई ने खरीदी हैं। और ये भाई बाहर से बहुत डिस्काउंट है, यहाँ पे ना शोर बहुत आ रहा है, आगे दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन चल रही है ना, ये मशीन भी बड़ी काम बढ़िया है। बिना गड्ढा खोदे देखो आर पार कुछ भी लाइन होती है ना, वो डाल देती है। ये इलेक्ट्रिक वाटर बॉटल खरीदी है भाई हमने, क्योंकि वहाँ शोर आ रहा था ना। और भाई देखो इसका रेट दिखाएंगे ना, आप शौक हो जाओगे इन चारों का देखना भी। ये इलेक्ट्रिक बॉम बैग है, जो हमने हेल्पलाइन फार्मेसी से बहुत ही सस्ते रेट में खरीदा है। इतना सस्ता रेट कोई भी केमिस्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है। अभी रेट दिखाते हैं भाई, ये देखिए भाई, देखो इलेक्ट्रिक वाला तो 75 रुपये का है, जो भाट 200 से 250 रुपये का मिलता है, और विदाउट इलेक्ट्रिक जो है वो 70 रुपये, जो है पानी गर्म करके फिर डालते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है। आप हेल्पलाइन से ना कोई भी दवाइयाँ या कुछ भी खरीदोगे ना, यहाँ तक कि बीपी मॉनिटर, अब जैसे हमने खरीदा देखो 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट है, तो आप यहाँ से ना हेल्प ले सकते हो हेल्पलाइन से। शॉप का नाम भी हेल्पलाइन है भाई, यूसुफ सराय की मार्केट में ही है, बहुत फेमस है ये मार्केट में। सराय में इतनी सारी डायग्नोसिस सेंटर है कि गिनती भी करेंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगी। एक और एक ज़्यादा फेमस यही है फोकस पूरे ग्रीन पार्क में। और भाई ये जो होली फैमिली हॉस्पिटल है ना, इसकी पार्किंग 2019 में जब हम आते थे ना यहाँ पे, तो पेड पार्किंग थी, तो हमें हर बार यहाँ पे ना 30-30 रुपये देने पड़ते थे, 50 रुपये पास बनवा के अनलिमिटेड पे थी। और आज 2023 में ना इन्होंने ये बहुत अच्छा काम करा है ये हॉस्पिटल वालों ने, होली फैमिली वालों ने, कि भाई ये जो पार्किंग है ना फ्री कर दी, जीरो कोई वो नहीं, पर जब भी आएंगे तभी ये पर्ची मिलेगी हमें। और आउट पर उधर हमें आउट है तो उधर देनी है, और इधर ये इन्हें इन पे हमें ये पर्ची लेनी है। पर यार इन्होंने एक चीज़ लाइन देखो ये डाल दी, फ्री है तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी व्हीकल लॉस एक्सीडेंट, ये बड़ा गलत है यार। और भाई वो जो मशीन चल रही थी ना, वो ये प्रोजेक्ट है, सीसीटीवी प्रोजेक्ट, रोड को ख़राब ना करके बस छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, आर पार कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं भाई दिल्ली में सीसीटीवी लगा के। और भाई ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना इलेक्ट्रिक, ये बहुत बढ़िया गाड़ी हैं, पर इनके रेट भी कम होने चाहिए, ये बहुत हाई रेट है इनके। चीज़ और दिख रही है हमें सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे 70% डिस्काउंट, ये सब सराय में ये भी जहाँ से हमने मोबाइल लिया था उसके पहले ही। और भाई ये पतंजलि स्टोर की इतनी ज़्यादा प्रचार करते रहते हैं बाबा जी कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, पर यार स्वदेशी तो तब अपनाएं जब ये डिस्काउंट दें, विदेशी वाले तो डिस्काउंट दे रहे इतने तगड़ा, और हमें कोई डिस्काउंट दें क्यों नरेंद्र भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे भाई, डिस्काउंट देना चाहिए ने, क्या चाहिए यार, डिस्काउंट ही तो चाहिए। हाँ जो उनके बजट में फिट हो जाए वही चीज़ चाहिए। और भाई ये जीप ना कुछ करके मानेगा इंडिया में, अब एक के बाद एक गाड़ियाँ लॉन्च करता जा रहा है, इस साल फिर ये ग्रैंड चेरोकी ला रहा है। हम जा रहे हैं सिविक सेंटर, दिल्ली की बहुत बड़ी बिल्डिंग है 28 मंजिल की, दिखाते हैं वहाँ जाके। मेट्रो की भाई ये खासियत है देखो, पूरी सेफ्टी, साफ सफाई, और देखो वॉच टाइम के लिए, और इधर भी दो दो वॉच लगा रखी है भाई, और ऐसी साइन लगा रखे हैं देखो कहाँ पे से जाना है, फुल फैसिलिटी देते हैं यार, ये कोई बंदा गुम नहीं हो सकता है। लोग हैंडीकैप हैं उनके लिए लिफ्ट भी है, किसी को एग्जिट में भी दिक्कत ना हो, दोनों तरफ बोर्ड लगा रखे हैं इधर भी और इधर भी, कि 1 से 4 नंबर पे इस तरफ जा सकते हो, और लेफ्ट में इधर है 2 से 3। मेट्रो में सिक्योरिटी भी बहुत है भाई, देखो कैमरे, ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं हम हो गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एग्जिट। और भाई देखो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ना, जैसे हल्दीराम, ये भी देखो ट्रेन की बुक में है, जैसे ट्रेन जैसे होती है ना उसके बॉक्स होते हैं उस टाइप से बना रखा है, तो क्रॉस करने का शायद अभी बनाया है, ये बढ़िया बना दिया भाई।
ये देखो भाई बढ़िया बना दिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहले ऐसा नहीं था, पेंटिंग से चमका दिया। ये काम चल ही रहा है यहाँ पर कितना कुछ रिपेयरिंग का, देखो जैसे ये नई दिल्ली तो बढ़िया कर दिया देखो हमारे बैक साइड में, और यहाँ पर देखो कितनी सारी टैक्सी हैं, ये हमारे पीछे जैसे टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी वाला या ऑटो वाला कोई ज़्यादा पैसे मांगे ना तो देखो गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कर रखी है यहाँ पर, यहाँ से पर्ची लो ये पेड ऑटो टैक्सी बूथ जो है ना, और उसको पर्ची दे दो ऑटो वाला या टैक्सी वाला, ऑटोमेटिकली जाएगा वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा ना पूछेगा कहीं भी। तो ये बढ़िया है भाई, ये अच्छी चीज़ कर दी, ये तो टैक्सी की लाइन होगी, देखो वहाँ पे ऑटो है, ये ऑटो भी दिखाते हैं हमको कितने सारे हैं, ये देखो भाई ऑटो ऑटो ही ऑटो, किसी को कितने भी ऑटो चाहिए हो यहाँ से मिल जाएंगे। और ये है भाई पार्किंग, देखो गाड़ियाँ दिख रही होंगी, मस्त पार्किंग है भाई, गाड़ी खड़ी करने की टेंशन नहीं, नहीं यहाँ आओ गाड़ी खड़ी करो फिर अपने किसी भी रिश्तेदार फ्रेंड रिलेटिव को यहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो, क्योंकि अंदर जाने का चार्ज ज़्यादा है, गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तो चार्ज ज़्यादा लगेगा। और जहाँ हम जा रहे हैं वो ये है बिल्डिंग सिविक सेंटर, ये भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 28 मंजिल की बिल्डिंग है, सबसे बड़ी दिल्ली में। टीम के वाले जो मेट्रो स्टेशन का गेट है ना वहाँ से एग्जिट कर लिया, हम यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बचपन में हमने एक ताले की ऐड सुनी थी हरीसन, ये देखो ये रहा वो हरीसन ताला। और ये भाई बस भी मिलती है यहाँ से, ये नई दिल्ली का बस का भी स्टैंड है, देखो बस ही बस है भाई यहाँ। भाई एक तरफ तो बोलते हैं कि दारू मत पियो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ ये देखो मेट्रो है, ट्रेन से बाहर निकले हैं आप, बाहर साल आए पहुँच जाओ ना भाई, थक गए ट्रैवल करके तो यहाँ पे अपनी थकान मिटाने, उन्हें बहाना चाहिए पीने वालों को, तो बोलते हैं थकान मिटाने के लिए एक पैक मार लेते हैं यार या बियर पी लेते हैं, तो देखो बाहर साल। और ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और आगे मेट्रो का है, और पाठशाला के गेट में देखो क्या लिखा हुआ है, सीधा अंदर रहो। यार ये तो मूवी का डायलॉग है, ये सॉन्ग कहाँ थी, लोगों को कहते हैं एक तरफ के दारू मत पियो और एक तरफ के चौड़े में खुले हैं बोल रहे पाठशाला, वो इनसे ही पता चलता है कि हम रेलवे स्टेशन के पास हैं, ऐसी दुकानों से कितनी सारी दुकान है भाई टिकट बुक करने की, देखो चारों तरफ हमारे 50 साल तो पुरानी होंगी, देखो इधर ऐसी देखो इधर इनकी जो छत है ना उससे भी पहचान सकते कितनी पुरानी होंगी। और आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही देखो जाम, तो जाम भाई कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं है हम सोचे कि जाम ना मिले तो कहीं भी जाम मिल सकता है, इसलिए हमें जाम से नहीं घबराना, बहुत से लोग भाई जाम देख के जाते हैं ना तो जाम से नहीं घबराना, बिंदास हो गए जाओ जहाँ जाना है। बिस्लरी वाटर ले जाने का स्टाइल देखो भाई का, जैसे नारियल लेके चलते थे ना भाई, जब छोटे थे ना देखते थे स्कूल जाते थे नारियल वाले। ये जो फॉग मशीन है ना ये रियल में देखने में तो बड़ी छोटी सी लग रही है भाई, बड़ी बिल्डिंग है ना इसलिए बड़ी छोटी लग रही है, हमें बड़ी दूर से बड़ी छोटी सी लगी है। रियल पोजीशन ये है इस फॉग मशीन की, देखो हमने जूम करा था तो पता लगा था कि भाई ये काफ़ी दूर है। जाम देख रहा था ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, भाई ये इसका जाम है करना प्रदर्शन टाइप, आगे चल के दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है भाई। भाई पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, ये देखो सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये पूरा ब्लॉक कर रखा है, इसलिए भी जाम लग रहा है काफ़ी दूर तक है। अच्छी बात है भाई प्रदर्शन करने का, अगर हमारी जो ज़रूरतें हैं हमें सही हैं वो हमें मिलनी नहीं है सरकार की ओर से, तो हमें प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अपने बात रखने का अधिकार है, अपने बात बोलने का अधिकार है, तो होना चाहिए यार ऐसा, ताकि सरकार को लगे कि हाँ भाई ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि यार इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो पता चलना चाहिए। पोस्टर्स लगा के नहीं लोगों के पास आके परेशानियाँ ना
तो समझो यार, लोग बहुत दिक्कत रहे हैं ऐसी जगह पर, तो समझ जाते हैं। और अब हम आ गए सेंटर में भाई, बहुत साफ सफाई और बहुत सिक्योरिटी भाई यहाँ पे। देखो हमारे पीछे आप देख ही रहे हो कितने सारे गार्ड्स हैं, और भाई यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे ग्रीनरी है पूरे में। ये तो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, और ये है सिविक सेंटर। देखो भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई ये, आप डालोगे भी ना नेट पे गूगल पे दिल्ली में सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो ये सिविक सेंटर ही आएगा। और ग्रीनरी देखो भाई, साफ सफाई एकदम बहुत बढ़िया, और पार्किंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, -2 -1। भाई लिफ्ट भी देखो, चार इस तरफ है और चार ही इस तरफ है, 8 लिफ्ट है भाई, एक साइड 1 साइड 8 और 8 ही राइट साइड में, और सामने देखो ये है सीढ़ियाँ, मस्त बिल्डिंग है भाई। ये राकेश भाई, ये उमेश भाई, ये हमारे दोस्त हैं ही भाई सिविक सेंटर में। भाई इस वीडियो में हमारा यही मोटिव था कि देखो किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ को बनाना आसान है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे यहाँ पे साफ सफाई को बड़ा मेंटेन कर रखा है। इनको लोगों में नाम तो पता नहीं है, पर यही हमने मुगल गार्डन में देखे थे। इस सिविक सेंटर का पूरा नाम तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है, पर भाई सब इसको शॉर्ट नाम से बुलाते हैं सिविक सेंटर। और भाई हमें एक चीज़ लगी इस पेट्रोल पंप के पास कि जो ओला की स्कूटियाँ हैं ना, अभी वो फ्री में चार्ज करके दे रहा है। जैसे ये चार्जिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर फ्री में चार्ज हो रही हैं स्कूटियाँ ये ओला। ये एक टाइप से ना प्रमोशन भी कर रहा है कि भाई ये ओला स्कूटी लो और आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। टैक्सी और ऑटो का ने दिखा दिया, देखो कितने स्टैंड, और ये रिक्शों का स्टैंड है, और रिक्शे भी बहुत चलते हैं भाई, एक रिक्शे हो रहे थे। पहले वाली अपनी वीडियो में भी ये बोला था, ये झंडे जो लगाए ना बड़े बड़े, बहुत बढ़िया काम करा है अपने देश के, फ्लैग जो लगा रखे हैं ना जगह जगह पर, बहुत बढ़िया भाई। जिस पार्किंग की हम बात कर रहे थे ना, ये पार्किंग भाई रेलवे वालों की, और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस भी हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस हो गया, भारतीय मानक ब्यूरो, और ये यूनियन बैंक। बढ़िया है यार, ये ऐसी पार्किंग है, ऐसी और भी होनी चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, तो रोड पे लगा के चले जाते हैं लोग और ट्रैफिक हो जाता है। और एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, ये जैसे पानी की टंकियाँ, पहले भाई बहुत देखते थे हम जब छोटे थे ना, अब तो बहुत कम दिखाई देती हैं, लगता है अब तो ये एंटिक पीस हो जाएंगी ये पानी की टंकियाँ कुछ टाइम बाद ना, ये जैसे ये रही। और भाई ये देखो डीलक्स टॉयलेट, यार टॉयलेटों की वैरायटी निकाल दी उन्होंने तो। और भाई देखते हैं ये जब रिलीज़ होगी तो ये देखने जाने का मन है हमारा, फर्जी। पर हमें एक चीज़ बड़ी बेकार लगी यहाँ पे, जैसे देखो ये लाइट्स यार दिन में जो चल रही है ना, क्योंकि यार हमसे सब बोलते हैं कि लाइट बचाओ यार, लाइट बचाओ क्योंकि कोयला ख़त्म हो रहा है ये वो, अब यार उनको भी तो बचानी चाहिए ना, जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना उनके ऊपर चार्ज कोई पेनल्टी ऐसी लगा देनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे। टाटा अपनी कार और बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए तो फेमस ही है, और टाटा देखो अपनी साइकिल भी लेके आ रहा है भाई जल्दी, ये देखो इलेक्ट्रिक साइकिल है शायद ये, शायद नहीं भाई अब पास आके देखा हमने कन्फर्म हो गया इलेक्ट्रिक ही बाइक है, लिखा ई बाइक। और टाटा इन बाइक पे 7,000 की सब्सिडी भी दे रहा है, मस्त बाइक है। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एग्जिट पॉइंट जहाँ से गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं, यहाँ पर देखो ये लगा दे जैसे भाई टोल पे, जैसे एंट्री करी है ना हमने, तो देखो यहाँ पे ना एक सेल चल रही है मास्क स्टॉक्स इन सब पे। अब इन भाई से पता करते हैं कि भाई सेल है ये, क्या नाम है भाई आपका? भाई हमारा नाम राजीव है, हमारा चैनल है यूट्यूब पे राजीव विस्टा के नाम से, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिखा काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट पे, तो हमने यहाँ रुक के वीडियो शूट करनी चाहिए। तो भाई थोड़ा आप इन प्रोडक्ट के बारे में बता दो, आपका ये जो है आउटलेट यहाँ पर ये और कहीं भी है, या ये इतना सस्ता? हमारी हर मेट्रो स्टेशन पे 10 जगह आपको मिलेगी। अच्छा, बोटनिकल गार्डन हुई, पावन हो गई, या नोएडा सेक्टर पावन हो गया,
अपन अभी जो भी हो गया टेबल हो गया जैसा लगता है घर से भी सोच रहे हैं। और भाई फैब्रिक भी देख रहे हैं ना, जैसे लेडीज के टॉप है, अच्छा है यार, प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। तो आप भी इधर की तरफ आ रहे हो, कहीं पर जा रहे हो नई दिल्ली की तरफ से, तो आप यहाँ रुक के और देख सकते हैं भाई के पास आपके ज़रूरत के कोई भी सामान। गेट नंबर 5 और गेट नंबर 5 है भाई ये, यहाँ से एंट्री होती है एयरपोर्ट लाइन के लिए भी और नॉर्मल मेट्रो के लिए। के पास बैग का भी देखो सेटअप है, जैसे एक छोटे बैग हो गए और ये बैग हो गए पिट्ठू बैग हो गया, बैग हो गया, और भी सेटअप आने वाला है। ये पिट्ठू बैग हो गए ना भाई, ये जी बैग है। अच्छा, और एचपी का लैपटॉप के लिए बैग मिल जाएगा। ये देखो भाई लैपटॉप के लिए बैग, टूरिस्ट बैग मिल जाएगा आपको। प्राइस बता भाई टूरिस्ट बैग से स्टार्ट है, और ये 500 से स्टार्ट है, 500 से लेके 1,950 एक नंबर वेराइटी क्वालिटी में मिल जाएगी। जिम बैग है, जिम बैग 99 से स्टार्ट है, और भी उसके प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो भाई ये ब्रांड है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी हल्की चीज और कपड़ा भी अच्छा है इसका, फैब्रिक जो भी है। तो भाई यहाँ के आप चेक कर सकते हो भाई की शॉप पे, काफ़ी चीज़ें हैं भाई, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी हैं। जैसे अभी ये स्पोर्ट्स की हमें सैंडो बड़ी अच्छी लगी भाई, ये 99 में यार। फैब्रिक भी देखा हमने स्पोर्ट्स वाला फैब्रिक, और टी शर्ट देखो ये भी 99 में, टी शर्ट भी बढ़िया है भाई। पहले भाई के पास जैकेट भी थी, और ये जैकेट भाई ये अपर 500 का अपर है भाई। ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी भाई, पूरा मैप भाई बहुत जगह लगा रखा है, और ये सुविधा ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं पे जाना है, कोई मेट्रो चेंज करने की चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं, मैप में देखो अपना चेंज बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे देखो यहाँ भी है मैप, बहुत सारे हैं मैप यहाँ पे भाई। अभी ना जब मेट्रो में से बाहर निकल रहे थे, दो बंदे थे, या तो पहली बार चढ़े होंगे मेट्रो में, या फिर भाई वो उसको पता नहीं होगा जोरबाग के बारे में। तो जोरबाग जैसे मेट्रो ने बोला ना जोरबाग के लिए बयान उतरे, तो उन्होंने बोला चोरबाग, जोरबाग को चोरबाग बोल रहे थे। लगना चाहिए ना स्टार्ट भी हमने करी है, कहीं अनुज भाई ने करके दे दी स्टार्ट, कहीं वीडियो में पता लगा अनुज भाई ने स्टार्ट करके दे दी। अरे ये जमाटो कहाँ से आ गया यार बीच में, धक्के ना मारने पड़े भाई, यहाँ तक आने भी साथ मिल जाएगी। बुलेट का भाई क्रेज देख रहे हो, घर जाते टाइम भी हैं बुलेट चलाने का मन कर गया, बुलेट की खासियत ये है। ये देखो भाई पूरी जगह घेर के चल रहा है, अब यार साइड में ही चल ले भाई, हमें भी जगह दे दे। देखो और ये साइकिल वाला देखो भाई क्या हरकत कर रहा है यार रोड पे, ये देखो देखो हाथ छोड़ दी, इसका बहुत देर से नोट कर रहा हूँ, पर भाई मेरे को बाद में आता है इसकी वीडियो बना के डालू, ये तो गलत है, लग जाएगी ना तो ये बंदा फैल जाएगा। ये बच्चा है छोटा सा, और माँ बाप के यार कुछ पूछते नहीं, बच्चे कहाँ कहाँ साइकिल चला रहे हैं। पार्टी यही है भाई, ये मदन गिर में है, देखते अपने हमारे दोस्त का मिलेंगे। और जी नरेश जी क्या हाल, बढ़िया भाई आप बताओ। बस दो हैं आपके, ये हमारे फ्रेंड है नरेश भाई, अभी हमारे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे यहाँ पे। ये रोहित है हमारे साथ पढ़ता था, और रोहित क्या हाल है भाई। ये रमेश भाई है हमारे फ्रेंड, और हमारे एल ब्लॉक में ही रहते हैं भाई, ये हमारे फ्रेंड है अनु भाई। ये हमारे दोस्त अनुज हैं जो हमारे साथ जॉब भी करते हैं, और हमारे अनुज भाई क्या लगवा रहे हो। और ये भी हमारे फ्रेंड है भाई, हमारे साथ पढ़ते थे, और इनका नाम राहुल,
और भाई काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं उनसे, और इन भाई का काम है कैटरिंग का, और भी बहुत काम करते हैं। कैटरिंग की जरूरत पड़े तो भाई का ना कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। शिवम भाई ये देखो छुप रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी नहीं ना हम आज। भाई देख लो टाइम मत खराब करो यार, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। भाई देख लो बंदा खतरनाक भाई। ये हमारे दोस्त हैं भाई, ये भी हेल्प ब्लॉग में ही रहते हैं। ये परवीन भाई है, ये भी हमारे फ्रेंड है, एल ब्लॉक में ही रहते हैं। और ये भाई भी है ना पूरी से एल ब्लॉक। और ये भाई डॉक्टर मजुमदार से। और ये अनुज भाई तो हमारे साथ जॉब ही करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा। और हमें आज ही पता चला है ये जो है ना अपराध घर, ये MCD का भाई, क्योंकि ऊपर जो ये बॉक्स बने हैं ये ऐसा किसी अपराध घर में, तो बाहर से ऐसा लगता है कुछ अलग ही। सौरभ ये बंदा इतनी पीता है, इतनी पीता है और टीका खाना हो गया। अरे कुछ अकड़ा देखो कुछ आपको ये बात सच लग रही है कि झूठ लग रही है? हमें झूठ लग रही है, लेकिन जो बंदा पूरी रात नहीं सोया, दिन नहीं सोया, वो बंदा आ गया तो ये बंदा भी आना चाहिए मीडिया में। रोहित भाई है, रोहित कुड़िया दीपक भाई के छोटे भाई, और ये एडवोकेट है साकेत कोर्ट में। ये परवीन भाई के बड़े भाई है राजू भाई। देख रहे हो ये अनुज भाई से मजाक कर रहे हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, कर सकते हैं है भाई। ये हमारे फ्रेंड हैं राजन भाई है, हमारे फ्रेंड राजन भाई से बहुत दिन बाद मिले हैं। बहुत दुखी है, ये मजाक कर रहे हैं भाई, सीरियस मत लेना इस बात को। ये राजू भाई हैं, बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं है ना। अनुज भाई बताओ आप, देख लो ताऊ बन गए अभी। और ये रमेश भाई है, हेल्थ ब्लॉक में रहते हैं। इस पार्टी में ना भाई बहुत सारे लोग आए हुए हमारे जानकार, हमारे दोस्त पड़ोसी बहुत सारे। और ये भी शिवम भाई के पापा हैं, ये शिवम भाई। और ये सोनू भाई हमारे, सोनू भाई स्कूल फ्रेंड है भाई, स्कूल फ्रेंड है, हमें स्कूल के साथ स्कूलिंग साथ में करी है, कॉलेज ग्रेजुएशन हमने साथ में करा है। ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता है भाई, ये आने वाले टाइम में देखना भाई काउंसलर या MLA होंगे। ये भी हमारे दोस्त हैं भाई, देख रहे हैं आप मिलाने का भाई का। निखिल भाई हमारे छोटे भाई हैं। और ये राकेश भाई हैं, इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहाँ पर एंड। गुड नाइट। अगर आज तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।